हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने ऑल न्यू टाटा हैरियर। टाटा हैरियर का प्राइस 14.29 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है एंड टॉप वेरिएंट का प्राइस है 20.81 लाख रुपीस। टाटा हैरियर के अंदर आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन ऑफर किया जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 170 पीएस की पावर एंड 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क एंड इसकी एयर एक रेन माइलेज है 17.0 केएमपीएल। एंड ये इंजन ऑप्शन आपको इस कार के अंदर 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ दिया जाता है। वेरिएंट्स की बात करें तो इस कार के अंदर आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं जैसे कि XE, XM, XT, XT प्लस, XZ एंड XZ प्लस। एंड इन सभी वेरिएंट्स के अंदर आपको कईयों में ऑटोमेटिक मिल जाता है, कईयों में डार्क एडिशन मिल जाता है, कई आपको कैमो एडिशन के साथ दिया जाता है एंड कई आपको इसके अंदर ड्यूल टोन में भी मिल जाते हैं। एंड अब इस पर्टिकुलर कार की बात की जाए तो गाइज ये है टाटा हैरियर का XMA ऑटोमेटिक वेरिएंट एंड इसका एक्सशोरूम प्राइस है 16.86 लाख रुपीस। एंड इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आपको टाटा हैरियर के बेस ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर क्या क्या ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैट ब्लैक फिनिश में फ्रंट ग्रिल दी जाती है जिसके बीच में आपको दिया जाता है टाटा का लोगो। उसी के साथ में आपको यहाँ पे DRLs मिल जाते हैं जो कि हैं हेलोजन में और साथ ही आपको यहाँ पे इसमें दिए जाते हैं साइड टर्न इंडिकेटर्स भी। उसके नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प यूनिट दिया जाता है एंड हेडलैम्प्स के अंदर आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं लो बीम के लिए एंड हाई बीम के लिए आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन बल्ब भी दिया जाता है। उसके नीचे आपको यहाँ फॉग लाइट दी जाती है एंड ये भी आपको इसमें हेलोजन में ही मिलती है। एंड गाइस कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल का लुक। एंड ऑल ओवर डिजाइनिंग की बात की जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव बोल्ड एंड मस्कुलर लुकिंग डिजाइन आपको इस कार का फ्रंट एंड से देखने को मिल जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं कार के साइड प्रोफाइल की तरफ एंड देखते हैं कि आपको यहाँ इस XMA वेरिएंट के अंदर साइड प्रोफाइल में क्या क्या ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ इसमें देखने को मिल जाते हैं 16 इंचेस के स्टील व्हील्स जो कि आते हैं फुल व्हील कवर के साथ। यहाँ पर आपको इसके अंदर अपोलो के टायर्स दिए जाते हैं जिनके टायर्स की प्रोफाइल है 235/70R16। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इस कार के अंदर फुल बॉडी क्लैडिंग भी ऑफर की जाती है। एंड अब ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें LED साइड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं ओवरवियम के ऊपर जिसका अपर पार्ट आपको मैट फिनिश में मिलता है, नीचे वाला आपको मिलता है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर एंड ये अपर पार्ट इसके बॉडी कलर से ही मैच होगा। एंड अब इन ओवरवियम्स के फंक्शनैलिटी की बात करें तो गाइस इन ओवरवियम्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट तो कर सकते हैं बट फोल्डिंग का ऑप्शन आपको इसके अपर वेरियंट के अंदर ही दिया जाता है। बी पिलर आपको इस कार के अंदर ग्लॉसी ब्लैक में मिल जाता है एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का कंप्लीट साइड प्रोफाइल का लुक। यहाँ पर आपको इसके अंदर अपर क्रोम विंडो लाइनिंग दी जाती है जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रही है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे इस वेरिएंट के अंदर ऑफर किए जाते हैं। एंड ऑल ओवर साइड प्रोफाइलिंग की बात करें तो साइड से भी ये कार काफी ज्यादा मस्कुलर लगती है। डायमेंशंस की बात करें तो गाइस टाटा हैरियर की ऑल ओवर लेंथ है 4598 mm, विड्थ है 1894 mm और हाइट है 1706 mm। एंड व्हील बेस की बात करें तो गाइस टाटा हैरियर के अंदर आपको काफ़ी अच्छा 2741 mm का टोटल व्हील बेस ऑफर किया जाता है जिसकी वजह से आपको इस कार के अंदर इंटीरियर स्पेसिंग काफ़ी अच्छी ऑल ओवर मिल जाती है। चलिए अब बढ़ते हैं कार के बैक प्रोफाइल की तरफ एंड देखते हैं कि आपको यहाँ बैक प्रोफाइलिंग के अंदर टाटा हैरियर के XMA वेरिएंट में क्या क्या ऑफर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बूट के सेंटर में इसमें देखने को मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के ऊपर टाटा का लोगो। टाटा के लोगों के बिल्कुल नीचे आपको यहाँ पे इसमें दी जाती है हैरियर की बैजिंग। रब नंबर प्लेट लाइट्स की बात करें तो आपको यहाँ LED में दी जाती है एंड इस कार के अपर वेरिएंट में आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा की भी प्लेसमेंट मिल जाती है जो कि इस वेरिएंट के अंदर नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं इस कार की टेल लैम्प्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर कुछ इस तरह की LED टेल लैम्प्स ऑफर किए जाते हैं जो कि आते हैं साइड टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स पार्किंग लाइट के साथ एंड रात के टाइम पे ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगती हैं। नीचे आपको यहाँ बंपर पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और साथ ही रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की है टाटा ने, आपको इतनी बड़ी कार के अंदर भी सिर्फ दो ही पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए जाते हैं। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का कंप्लीट बैक साइड का लुक। यहाँ पर आपको इसके अंदर रियर वॉशर और वाइपर ऑफर किया जाता है। डिफॉगर आपको यहाँ पे इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता है। यहाँ आपको मिल जाती है वोकल फॉर लोकल की बैजिंग। ऊपर आपको इसके स्पॉयलर दिया जाता है LED ब्रेक लाइट के साथ। एंड रूफ की बात करें तो रूफ पर आपको यहाँ पे एक एंटीना मिल जाता है। एंड इस कार के अपर वेरिएंट्स के अंदर आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन भी इस कार में दिया जाता है। एंड ऑल ओवर कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा कार का कंप्लीट बैक साइड का लुक। एंड गाइस इस कार के अंदर जो क्रोम विंडो लाइनिंग मिलती है वो पीछे आगे थोड़ी ब्रॉड हो जाती है एंड इसके ऊपर आपको यहाँ पे हैरियर की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर एंड चलकर चेक करते हैं टाटा हैरियर के XMA वेरिएंट के इंटीरियर्स को। तो ये गाइस इस कार का ड्राइवर साइड डोर। ऑल ओवर काफी हैवी डोर्स आपको यहाँ पे इस कार के अंदर देखने को मिलते हैं एंड ये आपकी सेफ्टी के लिए काफी अच्छी बात है। इंटीरियर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के अंदर पूरा डोर पैड देखने को मिल जाता है सिल्वर इंसर्ट्स के साथ।
यहाँ पर आपको इसमें मिल जाते हैं ऑल फोर पावर विंडो के कंट्रोल्स, उसके ऊपर आपको मैट ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल दिया जाता है, पीछे आपको यहाँ पे फैब्रिक फिनिश के अंदर आर्मरेस्ट मिल जाता है, साथ ही ग्रैब हैंडल दिया गया, नीचे आपको बॉटल होल्डर, कुछ स्टोरेज स्पेस, स्पीकर और साथ ही एक वेलकम लाइट भी इसके अंदर दी जाती है। एंड इस कार के चारों डोर्स के अंदर आपको ये रेड लाइट देखने को मिल जाती है। ऊपर आपको यहाँ पे ओवरवीएम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एंड जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको इस कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ओवरवीएम्स मिल जाते हैं। फोल्डिंग ऑप्शन आपको इसके अपर वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। अब डोर ओपनिंग की बात करें तो गाइज ये डोर काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है, तो कार के अंदर एंटर करने में या एग्जिट करने में आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर एंड चलकर चेक करते हैं इस कार के इंटीरियर्स को। तो अंदर आती है आपको यहाँ सबसे पहले इसमें देखने को मिल जाती है 6-way मैन्युअली एडजस्टमेंट के साथ ड्राइवर साइड सीट, एंड इस कार के अपर वेरियंट्स में आपको 8-way इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट के साथ भी मिल जाती है। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है फर्स्ट लुक इस कार के इंटीरियर्स का। कीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की फ्लिप कीज ऑफर की जाती हैं, जो कि आती है लॉक, अनलॉक और हेडलैम्प के बटन के साथ। पीछे की साइड पे आपको यहाँ पे इसमें टाटा का लोगो दिया जाता है, एंड सेकंड की आपको यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल की ही ऑफर की जाती है। चलिए अब कर लेते हैं कार का इग्निशन ऑन। आपको यहाँ पे इसमें मिलता है की को इंसर्ट करने का एरिया, एंड ये आपको पूरा इल्यूमिनेटेड रिंग के साथ दिया जाता है। एंड अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का वाइट इल्यूमिनेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है, जिसके राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, लेफ्ट हैंड साइड पर दिया जाता है आरपीएम मीटर, एंड सेंटर में आपको मिल जाती है एमआईडी स्क्रीन। एंड इस कार की एमआईडी स्क्रीन के अंदर आपको फ्यूल गेज और टेम्परेचर बार भी दिया जाता है, एंड उसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर शो हो जाती है, जैसे कि किलोमीटर्स ड्रिवन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रेंज, एवरेज और साथ ही ट्रिप मीटर्स भी आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। एंड अब स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। इस कार के अंदर आपको नॉर्मल स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया गया है, अपर वेरिएंट्स में आपको लेदर रैप का ऑप्शन भी इस कार में मिल जाता है, बट ऑल ओवर काफ़ी अच्छी ग्रिप यह स्टेयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको इसमें मिल जाते हैं मीडिया एंड टेलीफोनी कंट्रोल्स, एंड दूसरी साइड पर आपको यहाँ पर कोई भी कंट्रोल्स इस वेरियंट के अंदर नहीं दिए जाते हैं। एंड अब स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें तो गाइज आपको XMA वेरियंट के अंदर भी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड अब स्टेयरिंग व्हील के पीछे यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडलैम्प के लिए टॉगल, और साथ ही आपको यहाँ पे हेडलाइट लेवलर का भी कंट्रोल मिल जाता है, और इस साइड पर आपको इसमें दिया जाता है फ्रंट एंड रियर वाइपर के लिए कंट्रोल। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेयरिंग व्हील के राइट हैंड साइड की। तो स्टेयरिंग व्हील के राइट में आती है आपको यहाँ पे एक एसी वेंट देखने को मिल जाता है, जो कि आता है सिल्वर सराउंडिंग्स के साथ। उसके नीचे आपको यहाँ पे इसमें कोई भी बटन्स वगैरह इस वेरिएंट के अंदर ऑफर नहीं किए गए, जो कि यूजुअली कार्स के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक। एंड इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे सिंगल टोन ब्लैक फिनिश के अंदर ही पूरे इंटीरियर्स ऑफर किए गए हैं सिल्वर इंसर्ट्स के साथ। एंड अब डैशबोर्ड लेआउट के सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको सेंटर में इस कार में मिल जाता है 7 inches का टच स्क्रीन एंटरटेनमेंट सिस्टम, जो कि आता है काफ़ी सारे फीचर्स के साथ, जैसे कि आपको इसके अंदर AM, FM, USB, AUX एंड ब्लूटूथ के थ्रू फ़ोन कनेक्ट करने का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है। एंड गाइस इस कार के अपर वेरिएंट के अंदर आपको बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, एंड उसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे इस वेरिएंट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। एंड अब इस सिस्टम के अंदर फैंसी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर थीम वगैरह को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप रेड, ग्रीन और ब्लू में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं एंड अपनी पसंद के हिसाब से थीम लगा सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आपको इस सिस्टम के अंदर एक ड्राइव नेक्स्ट नाम की ऐप मिल जाती है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपके कार के रिगार्डिंग। एंड और फीचर्स के अंदर आपको इस सिस्टम के अंदर यहाँ पे पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले का बटन मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ दिया जाता है मेन मेन्यू के लिए स्विच, जहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपको इसमें कुछ कंट्रोल्स वगैरह के लिए मिल जाता है एक आइकन। एंड अब स्क्रीन के सराउंडिंग्स की बात करें तो आपको यहाँ पूरी दी जाती है इसमें पियानो ब्लैक फिनिश में, एंड नीचे आपको यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन्स भी मिल जाते हैं, जहाँ से आप इस सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड ये भी आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर ही दिए जाते हैं। उसके नीचे आपको मिल जाते हैं एसी वेंट्स, और एसी वेंट्स के नीचे आपको यहाँ पे कुछ बटन्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे हजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है, साइड में आपको मिलता है फॉग लाइट के लिए, और इस साइड पर आपको मिलता है इको मोड एंड स्पोर्ट्स मोड को एक्टिवेट करने के लिए। तो पहला बटन आपको यहाँ दिया जाता है इको मोड के लिए, उसको बंद करेंगे तो आपका सिटी मोड एक्टिवेट हो जाएगा, एंड उसके साथ वाला जो बटन अगर उसको प्रेस करेंगे तो आपका स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो जाएगा। गाइस इनका इंडिकेशन आपको एमआईडी स्क्रीन के साथ साथ आपके 7 inches के स्क्रीन के ऊपर भी शो हो जाता है। उसके नीचे आपको मिलते हैं एसी कंट्रोल्स, एंड इस वेरिएंट के अंदर आपको मैनुअल एसी ऑफर किया जाता है। एंड इस कार के अपर वेरिएंट्स में आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन भी इस कार में दिया जाता है। एसी कंट्रोल्स के नीचे आपको दी जाती है कुछ स्टोरेज स्पेस, और साथ ही आपको वहीं पे मिल जाते हैं यूएसबी और ऑक्स के पोर्ट्स। एंड ये है गाइस इस कार का 6-speed का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, एंड इसकी पूरी सराउंडिंग्स आपको यहाँ पे दी जाती हैं पियानो ब्लैक फिनिश में। एंड इसके अंदर हम जैसे रिवर्स गियर इनिशिएट करेंगे,
आपको आपके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले मिल जाएगा आपके 7 इंचेस के टच स्क्रीन के ऊपर। एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे कि आपको इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता है, तो उसका डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यूट्रल मिल जाता है, न्यूट्रल के बाद आपको यहाँ ड्राइव मोड मिलता है। ड्राइव मोड के अंदर आपको यहाँ पे मैनुअल मोड भी इस कार के अंदर दिया जाता है, जहाँ से आप गियर्स को अपनी मर्जी के हिसाब से अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसको वापस से पार्किंग मोड पे कर देते हैं एंड बात करते हैं इसकी हैंड ब्रेक के बारे में। तो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में आपको यहाँ पे इस कार के अंदर हैंड ब्रेक दी जाती है, जिसको आप कुछ इस तरह से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके पीछे आपको यहाँ पे 3 कप होल्डर्स दिए जाते हैं एंड उसके पीछे आपको मिल जाता है सेंट्रल आर्मरेस्ट, जो कि आता है कुछ स्टोरेज स्पेस और साथ ही 2 USB पोर्ट्स और एक 12 वॉट्स के पावर सॉकेट के साथ। इस आर्मरेस्ट के ऊपर जो कुशनिंग आपको प्रोवाइड की गई है वो भी आपको यहाँ पे डिसेंट मिल जाती है। एंड अब सीट्स की बात करें तो कुछ इस तरह की फ्रंट सीट्स आपको यहाँ पे इस कार के अंदर ऑफर की जाती हैं। यहाँ पर आपको इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया जाता है एंड इस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे ब्लैक एंड ग्रे कलर कॉम्बिनेशन के साथ फैब्रिक सीट्स ऑफर की जाती हैं। एंड इस कार के अपर वेरिएंट्स में आपको यहाँ पे लेदर आप सीट्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। कम्फर्ट एंड कुशनिंग की बात करें तो वो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे इन सीट्स के अंदर काफ़ी अच्छी मिल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा हैरियर के XMA ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर सेफ्टी फीचर्स की। तो गाइज यहाँ पर आपको इस कार के अंदर ड्यूल एयरबैग्स, ABS विद EBD, हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग और रोल ओवर प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स आपको यहाँ पे इस कार के अंदर मिल जाते हैं। एंड वारंटी पैकेज की बात करें तो गाइस टाटा हैरियर के अंदर आपको 2 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी एज स्टैंडर्ड मिलती है एंड इसे आप अप टू 5 ईयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। चलिए अब इस कार का ग्लव बॉक्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर इल्यूमिनेशन के साथ काफ़ी अच्छे साइज में ग्लव बॉक्स ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर आपको 2 कंपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं। एंड अब ऊपर रूफ की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें पैसेंजर साइड सनशेड के अंदर वैनिटी मिरर नहीं दिया जाता है। सेंटर में आपको मिल जाता है मैनुअल डे एंड नाइट IRVM। ऊपर आपको यहाँ LED कैबिन लाइट दी जाती है और साथ ही उसके पीछे मिल जाता है आपको सनग्लास होल्डर भी। एंड ड्राइवर साइड सनशेड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको इसके अंदर कुछ भी ऑफर नहीं किया जाता है। गाइस बाकी की रूफ आपको यहाँ पूरी प्लेन ही देखने को मिलती है। और अपर वेरिएंट्स की बात करें तो उनके अंदर आपको यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन भी मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा हैरियर के अंदर एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस की। तो गाइस टाटा हैरियर के अंदर आपको 5 एक्सटीरियर कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि हैं ग्रे जो आप अभी देख रहे हैं, उसके अलावा आपको मिलता है रेड, वाइट, ब्लैक एंड ग्रीन। यहाँ पर आपको ग्रीन मिलता है सिर्फ कैमो एडिशन में एंड ब्लैक मिलता है आपको डार्क एडिशन। एंड ड्यूल टोन फिनिशिंग के अंदर भी आपको व्हाइट एंड रेड के अंदर ऑप्शंस मिल जाते हैं। चलिए अब चलते हैं कार की बैक सीट में एंड चलकर चेक करते हैं इस कार का बैक सीट कम्फर्ट। तो ये गाइस इस कार का बैक डोर एंड यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है पावर विंडो का स्विच और उसके ऊपर आपको यहाँ पे दिया जाता है मैट ब्लैक फिनिश में ही डोर हैंडल। पीछे आपको यहाँ पे भी फैब्रिक फिनिश पूरी देखने को मिलती है। आगे आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल, ऊपर आपको दिया जाता है उसके ट्विटर। एंड नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ स्टोरेज स्पेस, 1 लीटर बॉटल होल्डर नीचे, साथ ही एक स्पीकर और साथ ही वेलकम लाइट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एंड अब बैक डोर के ओपनिंग की बात करें तो गाइस ये डोर भी काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है, तो कार के अंदर बैक सीट के अंदर भी आपको एंटर या एग्जिट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब चलते हैं कार के अंदर। तो अंदर आती है आपको यहाँ सबसे पहले इसमें देखने को मिल जाते हैं कि आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सेंटर में आपको यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है। एंड इस कार के अपर वेरिएंट्स में आपको आर्मरेस्ट भी इस कार में मिल जाता है। एंड कुछ ऐसा आपको मिल जाता है कार का कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक एंड ऑल ओवर डिसेंट इंटीरियर्स आपको यहाँ पे इस कार के अंदर ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ अपर वेरिएंट्स में सनरूफ मिल जाते हैं, यहाँ आपको पूरी प्लेन रूफ मिलती है। और फ्रंट सीट्स की बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों सीट्स के पीछे मैप पॉकेट्स ऑफर की जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ स्टोरेज स्पेस एंड स्टोरेज स्पेस के नीचे आपको यहाँ पे 2 USB के पोर्ट्स भी ऑफर किए जाते हैं। एंड इन पोर्ट्स की मदद से काफ़ी आसानी से रियर पैसेंजर्स भी इस कार के अंदर अपने फोन्स वगैरह को चार्ज कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस कार के अंदर बैक सीट स्पेसिंग की। तो गाइज मेरी हाइट 6 फीट है एंड ड्राइवर सीट में ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है। उसके बाद भी मेरे को इस कार के अंदर काफ़ी अच्छा नी रूम, लेग रूम और हेड रूम मिल पा रहा है। यहाँ पर आपको इसमें प्लेसमेंट मिल जाती है रियर AC वेंट्स की एंड ये दोनों साइड्स पे आपको यहाँ पे इस कार के अंदर दिए जाते हैं। एंड ऑल ओवर अगर कंफर्ट एंड कुशनिंग की बात करें तो बैक सीट के अंदर भी आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट इन सीट्स के अंदर ऑफर किया जाता है। ऊपर आपको यहाँ LED एक लाइट मिल जाती है। एंड ऑल ओवर पैसेंजर्स की बात करें तो यहाँ पे इस कार की बैक सीट के अंदर 3 एडल्ट्स काफ़ी इजीली बैठ सकते हैं। एंड गाइस अगर बात की जाए मिडल पैसेंजर के लेग रूम की, तो यहाँ पे आपको इसमें थोड़ा सा हम्प देखने को मिल जाता है मिडल पैसेंजर के लेग रूम में, जिसकी वजह से मिडल पैसेंजर को अपनी लेग्स को थोड़ा सा साइड में एडजस्ट करना पड़ेगा। बट ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 3 एडल्ट्स इस कार की बैक सीट के अंदर बिल्कुल आराम से बैठ पाएंगे। चलिए अब चलते हैं कार के बाहर एंड चलकर चेक करते हैं इस कार का बूट एरिया। तो गाइस टाटा हैरियर के बूट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे टाटा के लोगो के नीचे मिल जाता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट ओपनर बटन, जिसको प्रेस करके आप इसका टेलगेट ओपन कर पाएंगे।
एंड ये है गाइस इस कार का बूट स्पेस। यहाँ पे आपको इस कार के अंदर टोटल 425 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ देखने को मिल जाती है इस वेरिएंट के अंदर। लोडिंग लिप की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल कम दी गई है, जिसकी वजह से आपको कार के अंदर सामान रखने या निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर आपको इसमें बूट लाइट मिल जाती है जो कि हेलोजन में। एंड अब इसके नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ और स्टोरेज स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप अपनी टूल किट वगैरह को आराम से रख पाएंगे। एंड गाइस इस कार की रियर सीट्स को भी आप फोल्ड करके अपना बूट स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेंच फोल्डिंग वे में सीट ऑफर की गई है एंड उनके फोल्ड होने के बाद आपको यहाँ पे टोटल 810 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा। एंड गाइस अब इस कार के स्पेयर व्हील की बात की जाए तो उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ इसके नीचे की तरफ दी जाती है। एंड स्पेयर व्हील भी आपको यहाँ पे 16 इंचेस का ही ऑफर किया गया है। एंड बेस से टॉप सभी वेरिएंट्स के अंदर आपको यहाँ पे इस कार के अंदर सेम साइज का स्पेयर व्हील ऑफर किया जाता है। और अब प्राइसिंग की बात करें तो गाइस इस पर्टिकुलर कार टाटा हैरियर XMA ऑटोमेटिक का एक्स शोरूम प्राइस है 16.86 लाख रुपीज एंड ऑन रोड चंडीगढ़ में आपको पड़ेगी 18.65 लाख रुपीज की। तो ये था गाइस टाटा हैरियर का डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड गाइस अगर आप टाटा हैरियर का कोई और वेरिएंट भी कंसीडर कर रहे हैं तो आपको उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको टाटा हैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।